कोलकाता के आरजीकर हॉस्पिटल का पूरा मामला रेप और मर्डर से जुड़ा हुआ है, एक मिस्ट्री बन गया। लेकिन वहीं सीबीआई की टीम जो है पॉलीग्राफ टेस्ट के जरिए सच को सामने लाने का प्रयास कर रही है। बीते दिन बर्खास्त प्रिंसिपल संदीप घोष समेत पांच और लोगों का आपको बता दें पॉलीग्राफ टेस्ट हुआ था। लेकिन आज मुख्य आरोपी संजय रॉय, जो कि कोलकाता की प्रेसिडेंसी जेल के भीतर सजा काट रहा है, उसका पॉलीग्राफ टेस्ट होगा। माना जा रहा है इन टेस्ट के जरिए सच सामने आ सकता है। लेकिन आपको बता दें पूर्व प्रिंसिपल पर शिकंजा और ज्यादा सख्ती से कसता जा रहा है। क्या है पूरा मामला इस रिपोर्ट में देखिए। कोलकाता रेप मर्डर केस का खुलासा करने के लिए सीबीआई की टीम अब फुल एक्शन मोड में है। कल पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष के साथ पांच लोगों का पॉलीग्राफ टेस्ट करने के बाद आज सुबह सीबीआई की टीम बेलघाट स्थित संदीप घोष के घर पर पहुंची। माना जा रहा है कि पूर्व प्रिंसिपल के खिलाफ वित्तीय अनियमितता का केस दर्ज होने के बाद सीबीआई ने संदीप घोष पर कड़ा शिकंजा कसने की तैयारी कर ली है। इतना ही नहीं, आरजीकर अस्पताल में पूर्व प्रिंसिपल के करीबी देवाशीष सोम को भी शिकंजे में लिया जा रहा है। इसके लिए सीबीआई की एक टीम केशवपुर स्थित देवाशीष के घर पहुंची, जहां भ्रष्टाचार से जुड़े मामले की जांच की जाएगी। रेप मर्डर केस से पर्दा उठाने के लिए मुख्य आरोपी का आज होने वाला पॉलीग्राफ टेस्ट अहम माना जा रहा है। इसके लिए सीबीआई ने जेल में आइसोलेशन वार्ड की मांग की है। वही डॉक्टर घोष के अलावा जिन लोगों का पॉलीग्राफ टेस्ट हुआ उसमें संजय रॉय का दोस्त सौरभ भट्टाचार्य और घटना की रात ड्यूटी कर रहे चार जूनियर डॉक्टर शामिल हैं। इन जूनियर डॉक्टर के साथ महिला डॉक्टर ने घटना वाली रात खाना खाया था, जबकि कोलकाता पुलिस के सिविल वॉलेंटियर सौरभ को घटना के एक दिन पहले 8 अगस्त को अस्पताल में संजय रॉय के साथ देखा गया था। उस दिन सौरभ अस्पताल में भर्ती अपने रिश्तेदार को देखने गया था और रात को उसने संजय रॉय के साथ शराबी भी थी। सूत्रों के मुताबिक पॉलीग्राफिक टेस्ट में संदीप घोष से कई सवाल पूछे गए। जो सवाल पूछे गए वो आप जान लीजिए। क्या आपके और मृतका के बीच कोई विवाद था? क्या आपने पीड़िता के परिजनों को इस हत्या को आत्महत्या बताया था? क्या वारदात की सूचना पुलिस को देर से दी गई? आप डॉक्टर हैं, आपको नहीं लगता कि क्राइम सीन को सुरक्षित रखना जरूरी होता है? क्राइम सीन को जांच पूरी होने तक सुरक्षित क्यों नहीं रखा गया? वारदात के बाद तुरंत इस्तीफा क्यों दिया? आपने वारदात के बाद किस किस से बात की? वारदात की जानकारी फोन पर किस किस को दी? क्या आप संजय रॉय को जानते हैं? कब से और कितनी बार उससे मिले? क्या 8 और 9 अगस्त को मिले थे उससे? इतना ही नहीं, मामले का खुलासा करने के लिए आरोपी संजय रॉय की बाइक को भी पुलिस ने जब्त कर लिया। बंगाल सरकार की गठित एसआईटी ने भी मामले से जुड़े सारे दस्तावेज सीबीआई को सौंप दिए हैं। वहीं हाईकोर्ट ने सीबीआई को 3 सप्ताह में प्रोग्रेस रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा, जिसके बाद अब इस पूरे मामले की अगली सुनवाई 17 सितंबर को होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो एक तरफ कोलकाता रेपकांड में लगातार जांच जारी है, पूछताछ का सिलसिला जारी है, पॉलीग्राफी टेस्ट की तैयारी भी की जा रही है। लेकिन इस बीच आरजीके अस्पताल में भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच, भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं और आरोप सीधे पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष पर लगे हैं। यही वजह है कि करप्शन केस में करीब 4 घंटों से सीबीआई की रेड लगातार जारी है। पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष से भी एक तरफ लगातार पूछताछ की जा रही है, वहीं दूसरी ओर 4 घंटे से सीबीआई की रेड आरजीके अस्पताल में लगातार जारी है। इसके पहले भी सीबीआई की टीम सेमिनार हॉल में जानकारी हासिल करने पहुंची थी। संदीप घोष और उसके करीबियों पर भी छापेमारी की कार्रवाई की जा रही है। कोलकाता में 15 ठिकानों पर सीबीआई ने छापेमारी की है। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, और बड़ी खबर यह कि आरजीके अस्पताल में करप्शन केस की भी सीबीआई लगातार छानबीन कर रही है, स्टोर रूम को खंगाला। और यह भी बड़ी जानकारी कि वाइस प्रिंसिपल से भी सीबीआई की टीम ने जानकारी ली है। आरजीके अस्पताल में सीबीआई की जांच लगातार जारी है, करप्शन का यह मामला है। और यह बताया जा रहा है कि अस्पताल के स्टोर रूम को भी सीबीआई ने खंगाला है, वाइस प्रिंसिपल से भी सीबीआई ने जानकारी ली है। एक तरफ कोलकाता रेपकांड जिसको लेकर लगातार पूछताछ का सिलसिला बना हुआ है, तो वहीं आरजीके अस्पताल करप्शन केस की भी जांच लगातार सीबीआई कर रही है। इसी कड़ी में 15 ठिकानों पर सीबीआई ने रेड की, तो वहीं बताया जा रहा है कि अस्पताल के स्टोर रूम को भी सीबीआई ने खंगाला और वाइस प्रिंसिपल से भी ली जानकारी।
अनामिका सिंह कोलकाता से हमारे जुड़ी हुई हैं। अनामिका, जिस तरीके से वाइस प्रिंसिपल से सीबीआई की टीम ने जानकारी ली, वहां का जो स्टोर रूम है वहां पर भी सीबीआई की टीम पहुंची। अब से कुछ देर पहले हम बता रहे थे कि एडमिन डिपार्टमेंट में भी सीबीआई की टीम ने पहुंचकर सभी दस्तावेजों को खंगाला, और क्या जानकारी से जुड़ी हुई? देखिए, 15 कुल ठिकाने ऐसे हैं जहां पे आज सीबीआई की ओर से छापेमारी की गई है। सीबीआई की टीम हॉस्पिटल पहुंची थी, मेडिकल कॉलेज पहुंची थी, स्टोर रूम पहुंची थी। दरअसल जो आरोप लगाया गया है दिलीप घोष पर, संदीप घोष पर, वो ये है कि जो वेस्टेज होता है हॉस्पिटल का उसको बेचने का आरोप लगा है। साथ ही साथ जो टेंडर किया गया था कैफेटेरिया को लेकर, उसमें वित्तीय अनियमितता की गई थी, अपने खास लोगों को फायदा पहुंचाने का प्रयास किया गया था। इसके अलावा बहुत सारी और भी चीज़ें हैं हॉस्पिटल से जुड़ी हुई जिसमें गड़बड़ी की गई है और कहीं ना कहीं पैसे का हेर फेर करने का प्रयास किया गया है। लिहाजा मनी लॉन्ड्रिंग, वित्तीय अनियमितता समेत तमाम जो आरोप है वो लग रहे हैं। शायद यही वजह कि स्टोर रूम से लेकर के इसके अलावा जो अलग अलग ब्लॉक है हॉस्पिटल के जिसमें दस्तावेज रहते हैं, जिसमें तमाम चीजें रहती हैं, उसको खंगालने का प्रयास किया गया सीबीआई की ओर से। 15 जगह ऐसी जहाँ पे छापेमारी की गई। इसके अलावा संदीप घोष के जो करीबी स्टाफ के लोग भी रहे हैं, जो उनके करीबी रहे हैं, जो उनके साथ मददगार रहे हैं तमाम कामकाज में, उनसे भी पूछताछ करने की बात निकल के सामने आई। तो यानी कि एक तरीके से रेप एंड जो हत्या केस है उससे अलग अब जो करप्शन के चार्जेस हैं संदीप घोष के ऊपर, उसको भी लेके जो सीबीआई की छापेमारी है, जो कार्यवाही है वो तेज हो गई। इसमें संजय रॉय का पॉलीग्राफ टेस्ट आज पूरा हो जाएगा। तो जो बयान वो पहले देते रहा है पूरे होशो आवास में, अब टेस्ट के दौरान वो क्या कुछ जवाब देता है, दोनों का क्रॉस वेरिफिकेशन करवाया जाएगा, कहीं डाउट होता है तो दोबारा पूछा जाएगा। और पॉलीग्राफ टेस्ट ऐसा टेस्ट होता है जिसमें झूठ बोलने की गुंजाइश ना के बराबर होती है, क्योंकि इंसान की है। लेकिन दूसरी ओर दूसरे एंगल से भी सीबीआई जांच कर रही है, क्योंकि जो भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए हैं उसको लेकर भी कई ठिकानों पर छापेमारी की कार्यवाही की गई है, जिसमें संदीप घोष, उसके सहयोगी और उसके अलग अलग ठिकानों पर, कुल 15 ठिकानों पर छापेमारी की कार्यवाही की गई है। उसको लेकर क्या अपडेट? और देखिए, इस बीच जो ठिकाने हैं, जो करीबी हैं संदीप घोष के, चाहे वो यशीष की बात करें हम या फिर बाकी अन्य लोगों की बात की जाए, दरअसल जानकारी ये भी है कि आज जब सीबीआई की टीम पहुंची थी अंदर जानकारी लेने के लिए, तो जो स्टाफ करीबी गिने जाते रहे हैं संदीप घोष के उनके कार्यकाल के दौरान, उनसे भी पूछताछ की जाएगी। एडमिन ब्लॉक में जाकर के जो रजिस्टर है जहाँ पे एंट्री होती है, जहाँ पे दस्तावेज रखे जाते हैं हॉस्पिटल से, मेडिकल कॉलेज से जुड़े हुए, उसको भी खंगाला गया है। तो एक तरीके से सीबीआई की ओर से जो पड़ताल है करप्शन को लेकर के वो भी यहाँ पर तेज हो गई है। खासतौर पर टारगेट वो इलाके रहे रेड के दौरान जहाँ पे दस्तावेज रहते हैं, जहाँ पे स्टोर रूम में चीजें रहती हैं, जहाँ पे एंट्री होती है, जहाँ पे फाइलें रखी जाती हैं। ठीक है नामिका, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आप दे रही हैं। फिलहाल के लिए आपका बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ अगली खबर की तरफ रुख करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र के दौरे पर है, और वहीं जलगांव में वो 11 लाख दीदियों को लखपति दीदी का सर्टिफिकेट भी जारी करेंगे। साथ ही आपको बता दें, उन दीदियों से मिलकर उनकी आरती भी उतारेंगे। और आपको बता दें, पीएम मोदी स्वयं समूह संगठनों को एक जो पूरा रिवॉल्विंग फंड है वो भी जारी करेंगे। इसके अलावा 5,000 करोड़ का लोन भी जारी किया जाएगा। ये रिपोर्ट देखिए, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, प्रधानमंत्री स्वयं सहायता समूह को रिवॉल्विंग फंड और लगभग 5,000 करोड़ का लोन भी जारी करेंगे। के तौर पर हम देख रहे हैं कि ग्रामीण महिलाएं काम कर रही हैं, तो वो तमाम अन्य महिलाओं को प्रोत्साहित करती हैं कि वो बैंकों में न केवल खाता खोलें बल्कि बचत की ओर प्रोत्साहित हों। जो छोटे छोटे निवेश साधन के तरीके हैं, तमाम योजनाएं हैं सरकार की, बैंकों की, डाकघरों की जो योजनाएं हैं उसके बारे में उन्हें जानकारी मिलती है। और महिला से बेहतर कौन हो सकता है? तो ये तस्वीर आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री मोदी ने देखिए लखपति दीदियों की किस तरीके से आरती उतारी। 11 लाख नई लखपति दीदी जिनको सर्टिफिकेट प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से दिया गया। और जब पीएम वहां पर पहुंचे तो देखिए किस तरीके से पारंपरिक अंदाज में उनका जोरदार स्वागत किया गया। जलगांव की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लखपति दीदियों से संवाद भी किया और उनसे बातचीत भी की। प्रधानमंत्री मोदी ने खुद लखपति दीदियों की आरती उतारी, जो कि तस्वीर हमने आपसे कुछ ही क्षणों पहले आपको दिखाई, और ये संवाद की भी सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कैसे लखपति दीदियों से प्रधानमंत्री मोदी संवाद कर रहे हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री स्वयं सहायता समूहों को रिवॉल्विंग फंड और लगभग 5,000 करोड़ का लोन भी वो जारी करेंगे। बहुत महत्वपूर्ण दौरा और महत्वपूर्ण सौगात नारी शक्ति को पीएम मोदी की तरफ से लखपति दीदी और उनको सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। बहरहाल जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं लखपति दीदियों से वो संवाद करते हुए नजर आ रहे हैं और वो अपने जो अनुभव है वो शेयर कर रही हैं।
और लखपति दीदी योजना के तहत महिलाओं को उद्योग के क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए, जिससे महिलाएं आत्मनिर्भर बन सके, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा से कहते रहे हैं कि महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना, फिर चाहे वो उद्योग के जरिए हो, फिर चाहे वो स्वयं सहायता समूहों के जरिए हो, ये सरकार की प्राथमिकता है। और यही वजह है कि महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए सरकार बिना ब्याज के 5 लाख रुपए का कर्ज देती है। और अब आज महाराष्ट्र के जलगांव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं लखपति दीदी योजना का लाभ महिलाओं को देने के लिए। और इस दौरान प्रधानमंत्री का स्वागत महिलाओं ने किया, क्योंकि वो जानती हैं कि उनके लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री लगातार काम कर रहे हैं। और केवल लखपति दीदी योजना के तहत नहीं प्रियंका, बल्कि और भी कई योजना है जिनके तहत महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री काम कर रहे हैं। बिल्कुल, और क्या है लखपति दीदी योजना ये भी आपको बता रहे हैं।